उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हडिया में मंगलवार को ग्राम सभा बिलहा सिंगामऊ निवासी दिव्यांग नौजवान नौसाद को सबल बनाने एवं स्वरोजगार हेतु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा लैपटॉप प्रदान किया गया। लैपटॉप को देने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा निधि यादव एवं MLC वासुदेव यादव नौसाद के आवास पहुंचे, जहां पर उन्होंने लैपटॉप प्रदान किया। इस दौरान लैपटॉप पाकर नौसाद के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई पड़े, वहीं उनकी आंखों के आंसू छलक पड़े। नौसाद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भेजा गया लैपटॉप उसके लिए किसी अनमोल तोहफा से कम नहीं है, जिसकी बदौलत वह रोजगार तलाशने का बेहतर प्रयास करेगा। बता दें कि नौसाद विकलांग युवक है। इसके पहले वह दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन दिव्यांग होने के चलते पूरी तरह से बेरोजगार हो गया, जिसकी मदद के लिए निधि यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात किया, जिसको लेकर उसकी सहायता मिली, जो किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं रहा। इस दौरान दोनों नेताओं का उपस्थित ग्रामीणों ने जमकर स्वागत किया। बम्बई में जेट एयरवेज के ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करते थे। इनकी अचानक एक दिन तबीयत खराब होती है और इनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जब मैंने इनकी समस्या लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास श्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से जब मैंने बताया कि ये बच्चा अच्छा खासा रोजगार था और वहाँ पे काम कर रहा था और आज आर्थिक तंगी से इनका पूरा परिवार जूझ रहा है, तो उन्होंने कहा कि लैपटॉप देकर उनको स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और नौशाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक लैपटॉप के माध्यम से आज ये सहज जन सेवा केंद्र जो ये खेल खोल रहे हैं यहाँ पे, उसके द्वारा उनकी मदद की गई है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस पूरे देश में अगर कोई मानवीय और कोई संवेदनशील नेता आज हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और उन्हीं की प्रेरणा से जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो भविष्य को लेकर अपने कहीं ना कहीं उनके मन में शंका है कि कैसे आगे की जिंदगी उनकी गुजर बसर होगी, उनको बल देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। आप हंडिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत दिनों से लगातार भाई बॉम्बे एयरपोर्ट पे काम करते थे, प्रकृति की नियत ऐसी रही, उनकी रेल की हड्डी में कोई कमी आई और वो एक प्रकार से दिव्यांग हो गए। इन्होंने निधि से कहा था कि दीदी हमको एक लैपटॉप मिल जाए, तो निधि जी ने इनकी समस्या को, इनकी भावना को, इनकी इच्छा को माननीय अखिलेश यादव के सामने रखा। अखिलेश यादव जी ने अभी एक हफ्ता पहले लैपटॉप निधि के हाथ में हम भिजवाया कि नौसाद जी को दे देना, फिर शुभकामना भी रहेगी। अब आगे आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो हमारे प्रदेश में, हडिया ही नहीं पूरे प्रदेश में, जो मजबूर लोग होंगे, जो सहाय लोग होंगे, उनकी सहायता सेवा का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इसी भावना के साथ इस संदेश को देने के लिए हमारे साथ हडिया से, बिलहा से, आसपास के गांव से कई कार्यकर्ता, कई नेता, कई हमारे समाज से आए हुए हैं। और मैं नौसाद को शुभकामना देता हूँ कि लैपटॉप एक संदेश है, एक आशीर्वाद मिला है आपकी समाज पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, इसे आप आगे बढ़ें अपने परिवार की। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझको इस लायक समझा उन्होंने। उसके बाद मेरी दीदी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और श्री माननीय वासुदेव मतलब MLC साहब को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी सहयोग से हमें ये सब प्राप्त हुआ और हमें ये सब भेंट मिला। अच्छा, आपको ये लैपटॉप तो मिल गया है कि अब लैपटॉप से आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि ये स्वरोजगार उपलब्ध कराने